गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इन फोर्थ स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज, दिस इज योर सेकेंड क्लास, चैप्टर फोर, लेसर नोन एनिमल्स। ये एनिमल्स ज्यादातर हमको जाने नहीं है, हमने तो लायन टाइगर, हमारे जैसे वाइल्ड एनिमल बोलते हम बोले लायन टाइगर पैंथर चीता, पर ये डियर फॉक्स, पर ये जो एनिमल्स है लेसर है, नोन, नोन मतलब पता नहीं है, जाने हुए नहीं। सम एनिमल्स आर वेरी कॉमन, दे कैन बी सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जैसे डॉग कैट हम वहाँ यहाँ वहाँ सब जगह दिखते, पर देर आर सम अदर एनिमल्स वी रेयरली, रेयरली मतलब बहुत कम पाए जाते देखे जाते। सो ऑन बिलो आर सच फ्यू एनिमल्स एंड देयर एनिमल्स, आफ्टर रीडिंग अबाउट दैम एंड लुकिंग एट देयर पिक्चर्स यू कैन टेक हेल्प द क्लूज। यहाँ नीचे आपको क्लूज दिए जाते हैं, क्लू बॉक्स हमेशा वो लोग देते, तो जस्ट जब भी एग्जाम ऐसा क्लू बॉक्स हो, हेल्प बॉक्स हो, तो आपको पहले नेम रीड करते हैं, या वॉलरस, कॉमेडो ड्रैगन, जायंट स्क्वायर, कटल फिश, फ्लाइंग फिश। अगर आपको रीडिंग नहीं आता तो यू प्रोनाउंस इट वाई ए के याक, डब्ल्यू ए एल आर यू एस, वॉलरस, कोमोडो ड्रैगन। Because you are four standard children, you are very small children, you have to read, always practice the reading. Reading की practice हमेशा करनी है, जैसे आपके पास book आए, अगर आपको pronunciation नहीं आता है तो आपको one one alphabet read करके भी आपको वो word pronounce it करना है। G I A N T, giant, squid, S Q I D, S Q U I D, squid, कटल फिश। अगर बिग स्पेलिंग है तो आपको हाफ ऑफ करके रीड करना है, सी यू डबल टी आई कटल, एफ आई एस फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश। दिस इज योर क्लू बॉक्स, फर्स्ट हम रीड करेंगे, पिक्चर भी दिए आपको, वेरी गुड। दिस इज द लार्जेस्ट लिजार्ड, पहले आपको रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है कि दिस सेंटेंस व्हाट दे टेल अस, फिर आपको पिक्चर देख के बताना है। This is the largest, largest मतलब large, lizard, lizard you know हमारे घर में चिपकली होती है, घरौली होती है, in the world, तो world की largest lizard है। It is found in the Komodo island of Indonesia, तो जो इंडोनेशिया के कोमोडो island है, island मतलब चारों बाजू वहां बर्फ होता है, पानी होता है। It is the dash, आपको बताना है पिक्चर देखकर, ये देखो आपको दिख भी रही है कितनी बिग लिजार्ड है वर्ल्ड की, देख सकते हैं, और कोमोडो आइलैंड इंडोनेशिया के वहां ये दिखी जाती है। तो इसका नाम क्या है हमको लिखना है, अगर नाम नेम इट से अगर ऐसा कोई क्लू है तो आपको हेल्प बॉक्स है कोमोडो, तो आपको पता है हमने रीड करा था कोमोडो, कोमोडो ड्रैगन, तो यू राइट डाउन एंड कॉपी डाउन। अगर आपको यहां से राइट भी करना है कि आपको अगर न आए कोमोडो, के ओ एम ओ, नीचे से ही देख के लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है तो रॉन्ग नहीं होगा, कोमोडो ड्रैगन, डी आर ए जी ए एन, कोमोडो ड्रैगन, ड्रैगन। सेकंड, यहां आपको पीछे दिख रहा है, पीछे देखेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। दिस एनिमल लिव्स इन सी वाटर, दरिया के पानी में रहता है एनिमल। इट हैज द बिगेस्ट आईज, ई वाई एस, आईज, अमंग ऑल द सी एनिमल्स, दरिया के सारे जो एनिमल है इससे सबसे बिगेस्ट आई दिस एनिमल की है। तो दिस एनिमल लिव्स इन सी वाटर, दरिया के पानी में, बिगेस्ट आईज है अदर एनिमल के कंपेरिजन में। इट्स आईज आर एस बिग एस बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितनी वो बिग आई है, बास्केटबॉल के जितनी, यहाँ हम पिक्चर में देख भी सकते हैं उसकी आई बास्केटबॉल के जितनी है। इट इज द, तो आपको उसका नाम बताना है, उसका नाम है, हम ब्लू बॉक्स में देखेंगे पहले, तो बिग मतलब जायंट, तो यहाँ देखिए कोई जी रिलेटेड है जायंट वर्ड, यस, तो जायंट स्क्विड, एस क्यू यू आई डी, स्क्विड, जायंट स्क्विड राइट करेंगे। आपको अकेले जायंट लिखकर नहीं रहने देना है, आपको देखना है कि उसका पूरा जो नेम है वो कोमा तक होता है, यहाँ पूरा जायंट अकेला नहीं है, उसके बाद कंटिन्यू है स्क्विड, फिर आपको स्क्विड भी लिखना है, एस क्यू यू आई डी, स्क्विड, जायंट स्क्विड।
थर्ड है इट इज द लार्ज कार्निवर सी एनिमल. इट लिव्स इन द आइसी कोल्ड वाटर्स ऑफ द आर्कटिक ओशन. इट हैज टू लॉन्ग टस्क लाइक दैट ऑफ एन एलिफेंट. तो एलिफेंट के जितने टू लॉन्ग टस्क है ये एनिमल यहाँ दिखा जाता है. एट टस्क है टू है. इट इज द वॉलरस. क्या नाम है इसका? वॉलरस. WALRUS. एक तरह की फिश हम बोलते हैं. सील, वॉलरस, दरियाई एनिमल जो होते हैं दरिया के पानी में रहने वाले, जिसे शार्क एक फिश है. वॉलरस कार्निवर सी एनिमल है. दिस एनिमल लिव्स इन द कोल्ड रीजन ऑफ टिबेट इन द नॉर्थ ऑफ हिमालयस. तो यहाँ पर एक एनिमल बताया है हमको, जैसे थोड़े थोड़े हमको ये हमारे बफेलो काउ जैसे दिखती है. इट ईट्स आइस एंड स्नो टू क्वेंच इट्स थर्स्ट इवन इफ देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल. इट इज द याक. YAK याक फर्स्ट है. याक हर बॉक्स में है. याक. दिस फिश यूजेस इट्स फिन्स. यहाँ फिश दिख रही है. टू ग्लीड इन एयर जस्ट अबोव द सर्फेस ऑफ वाटर. इट कैन ग्लीड फॉर ओवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस. इट इज द डैश. तो ये एक फिश है. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक ही फिश है, फ्लाइंग फिश. तो हम वही इसका नाम लिख देंगे. उन्होंने बताया है कि फिश फिन्स टू एयर में सरफेस ऑफ द वाटर अपने हेल्प करती है. इट कैन ग्लीड ओवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस. इट इज द फ्लाइंग फिश. देखो फ्लाई करती है फिश, दिखती भी है. इसका नाम लिख सकता है फ्लाइंग फिश. और लास्ट हम दिस इज द वेरी क्लेवर सी एनिमल. क्लेवर है. इट चेंजेस इट्स बॉडी. बॉडी अपने चेंज करता है कलर अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सी बेड वेयर इट लिव्स. दिस सेव्स इट फ्रॉम इट एनिमीज. ऐसा अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है कि वो एनिमीज दुश्मन से बचने के लिए. इट इज द कटल फिश. एक दरियाई एनिमल है कटल फिश. लास्ट आप राइट डाउन कटल फिश. CUTTLE कटल और वन वर्ड है. कंटिन्यू करना है कटल फिश. यहाँ पर एक नॉलेज है. द कैंपेन लॉन्च जॉइंटली बाय इंडिया एंड नेपाल टू कंजर्व वल्चर्स इज नेम्ड एज सेव सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन. After that we continue the next chapter 5, insect facts. Here are some amazing facts about insects to enhance your knowledge. Insects are the only creatures that do not have a backbone and only invertebrates that can fly. Insects ka matlab hai jeeva, jeevde jo hamare aaju baaju ghumte hai, hum bolte hai ant hai, butterfly hai, cockroach hai, sare insect hai. तो वो उनके पास ये जो एक एक हम देखेंगे कि स्पेशल है. इंसेक्ट्स आर ओनली क्रिएचर दे डू नॉट हैव बैकबोन. उनको बैकबोन नहीं होते हैं और देट कैन फ्लाई. उनको इनवर्टिबेट्स होते हैं. इंसेक्ट्स रेंज इन साइज फ्रॉम लेस देन अ मिलीमीटर टू ओवर 18 सेंटीमीटर. एक मिलीमीटर लीटर मीटर से इतने भी बिग इंसेक्ट्स है 18 सेंटीमीटर तक. इंसेक्ट्स हैव ए कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. पूरा हमारे जैसा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. ऑल टू विंग्ड इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फ्लाइज. जिसको टू विंग्स होती है वो सारे फ्लाइज कहलाते हैं. दैट इंक्लूड मॉस्किटो. मस्ट इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स बट अदर्स आर ओवोविविपेरस डेवलप विथ एग्स. और ओवोविपेरस डेवलप इन साइड द बॉडी ऑफ मदर. द सेंस ऑर्गन ऑफ ए हाउस फ्लाई इज स्मॉल एंटेना. इट कैन स्मेल फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस. ग्रास हॉपर्स हैव नो ईयर्स. किसी को पता भी नहीं हमको. ग्रास हॉपर जो होते हैं उनको ईयर्स नहीं होते. दे हियर विथ एन ऑर्गन कॉल्ड द टाइम्पनम. आर्म्स हैव टू स्टमक्स. एंड्स को टू स्टमक है. वन फॉर देम एंड सेकेंड वन टू फीड अदर्स. तो एक खुद के लिए वो होता है और सेकेंड जो होता है दूसरे के लिए वो फीड करते खाना. और फीमेल मॉस्किटो रिक्वायर्स ब्लड मिल फॉर एग डेवलपमेंट एंड मे ले 100 to 300 eggs एट अ टाइम. लेडी बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड टाइप ऑफ पिटल एंड नॉट ऑल लेडी बर्ड्स आर फीमेल्स. इट टॉप फ्लाइंग स्पीड इज अबाउट 24. देर आर अबाउट 350,000 डिफरेंट काइंड ऑफ पिटल्स इन द वर्ल्ड.
Dragon flies are the fastest flying insects. They can reach speed of over 97 km per hour. They can travel as much as 137 km in a day. Here one insects, different different insects है यहाँ पर हम देख सकते हैं. और यहाँ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्पाइडर्स, स्क्रोपियों, टिक्स एंड माइट्स आर नोन एज द बुक लंग्स. नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 6, द बिग वाइल्ड कैट्स. रिजर्व फॉर देयर ब्यूटी एंड वाइटलिटी, द 5 स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स इंक्लूड्स टाइगर्स, लायंस, लैपर्ड्स, जॉगर्स एंड स्नो लेपर्स. रीड अबाउट दैम. तो यहाँ हमको जो हम बोलते हैं कैट फैमिली, जो कैट फैमिली के जो जो एनिमल्स है जो कैट जैसे लुक लग के करते हैं वो एनिमल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी है. पहला है हमारे यहाँ आप सब पिक्चर से पता चलेगा ये JAGUA जॉगर. इज ए लार्ज कैट विथ येलोइश ब्राउन फर विथ ब्लैक रिंग्स. दे लिव इन साउथ वेस्ट अमेरिका. इट बाइट्स डायरेक्टली थ्रू द स्कल बिटवीन द ईयर्स टू डिलीवर अ फैटल ब्लो टू द ब्रेन. ब्लैक पैंथर यहाँ दिख रहा है. ब्लैक पैंथर इज द कॉमन नेम फॉर अ ब्लैक स्पेसिमेन ऑफ कैट फैमिली. दे कैन हंट एंड किल हैवी एनिमल्स वेइंग अप टू 650 किलोग्राम्स. लिंक्स LYNX हैज अ शॉर्ट टेल एंड अ टफ ऑफ हेयर ऑन द टिप्स ऑफ इट्स ईयर्स. इट हैज अ लार्ज पोस, पंजे बोलते हैं पोस, POS, पोस, लॉन्ग विस्कर्स ऑन द फेस. हंटिंग दैम इज इलीगल इन मैनी कंट्रीज. चीता, हमने सबने चीता नाम सुना है, ये देखो यहाँ दिख रहा है चीता. हंट्स बाय स्पीड, इट इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल. सबसे तेज भागने वाला चीता कहलाता है, फास्टेस्ट ऑल द लैंड एनिमल्स. एंड कैन रीच स्पीड ऑफ अप टू 120 किलोमीटर पर आवर. Its chest is deep and waist is narrow. The fur is tan with small round black spots. Head is small with high set eyes. And next we have leopard. 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 Is the fourth largest cat in the world. It is fast bhagne wala hai. It is the heaviest, stockier and has a large head as compared to the body unlike the cheetah. This does not have the teardrop like the markings running down the sides of its face. लास्ट लायन, सॉरी इसके बाद भी है टाइगर. लायन, लायन इज द लार्ज पावरफुल एनिमल. इट हैज अ येलोइश ब्राउन फर. द मैन लायन हैज अ मेन विच वेज बिटवीन 150 टू 225 किलोग्राम्स. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कैट आफ्टर द टाइगर. द फर्स्ट कैट फैमिली में आता है टाइगर, उसके बाद लायन. टाइगर तो एकदम लुक लाइक जस्ट एज अ कैट. And that lion second है. Tiger is the largest and heaviest cat in the world. उसको हम heaviest cat के भी कह सकते हैं, largest. And the stripes on its body vary from brown to pure black on golden fur. A male tiger can weigh up to 320 kg. The form and the density of stripes differ among them, but most have in excess of 100 stripes. Tigers are good swimmers and can swim up to 6 km. They can easily jump over 5 meters in length. With this, we will stop here and we will see after that in the next class. So you have to read twice and twice, thrice to practice of more reading. You can better read afterwards. Thank you very much, children.